चल रही है सर अपनी, अच्छा बढ़िया, वेरी गुड। तो उसका टेस्ट के लिए मैं क्या तैयारी के लिए नेक्स्ट वीक में मैं तैयार हो जाऊंगा, जब भी याद रखा था। मुझे लगता है कि तैयारी अभी तक आपका काफी सारा हो चुका होगा, ऑलरेडी आप काफी हाँ सारा तैयारी कर रहे हैं, और हाँ तैयारी करते करते मेरे ख्याल से अभी तक तो आपका कोई लंबा चौड़ा है नहीं। वैसे IC38 का जो बुक है वो सब सर, कोई लंबा चौड़ा है नहीं, वो मेरे ख्याल ठीक से अभी है तक वो। आपका हो चुका होगा। हाँ सर, वो ऐसा है कि हमने कुछ कर लिया है, कुछ हमने कहा, बट वही है कि जो है ना कॉन्फिडेंस का एक, आज जो है ना हम ऐसे बता रहे हैं, आज मैं पहला प्रैक्टिस टेस्ट लेने वाला हूँ। ओके ठीक है, हाँ बढ़िया। आज, क्योंकि पहला प्रैक्टिस मेरे ख्याल से आज मॉक वाला आपका जो जो, तैयारी है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आज आप जो तैयारी कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर कल शायद एग्जाम किया जा सकता है, शायद ऐसा कुछ है। मतलब यदि आप चाहें तो कल अपन लोग एग्जाम कर सकते हैं। कल करेंगे तो हम उसके लिए फिर एक काम कर जाते हैं। मेरे को आप जो है ना आज, अगर ऐसा अगर आप आपका सोचना है तो मेरा सोचना भी यही है, आप कल का हाँ, समय बता दीजिए, कल का समय जो सो पे कर लेते हैं। आप मेरे को आज तैयारी अपना कंप्लीट करके बता दीजिए, उसके हिसाब से फिर अपन कल का एग्जाम अपन फाइनल कर लेंगे। ठीक है सर, आप आज ऐसा आप फाइनल कहते करके हैं मुझे तो ठीक बता है। दीजिए ना। आपने तो जो आज IC38 का जो ऐप आपने बताइए, मैं आपको आज जो है सो आपको ये समझ लीजिए 4:30 बजे, 4 बजे तक आपको बता दूंगा सर, आप नाम को रखवा लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया 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 चार साढ़े बढ़िया, चार बजे तक बता ठीक है। दूंगा। और क्या चल रहा है इसके मेरी अलावा? चलो ठीक है, आपकी इसके बात अलावा क्या हो, चल रहा है? इसके इसके अलावा अभी चलो और बढ़िया, इसमें आपको मतलब समझ लीजिए कि इंश्योरेंस सेलिंग में अभी कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ हमारे टेस्ट को आपका देख चलो रहे हैं कोई बात नहीं। और सबसे अपने पहले आप अपना एग्जाम की तैयारी कर प्रॉस्पेक्ट लीजिए। बेस को जो है ना वो थोड़ा खंगाल रहे हैं, थोड़ा सा उसको देख रहे हैं, जितनी देर फोन नंबर हो सकते हैं जहां जिन लोगों से मिल रहे हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करके थोड़ा रखेंगे, इस तरह से हो जाएगा, ये ठीक है ऐसा ठीक कर है, रहे हैं। बढ़िया, चलो ठीक है, ऑल द हाँ बेस्ट, बढ़िया, ऑल द बेस्ट। तो हम आपको 4:30 बजे तक बता देंगे सर, 4:30 बजे तक, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे बता ठीक है। दीजिए, तो उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम का फाइनल करें। मुझे लग रहा है कि कल शायद आपका एग्जाम अरेंज कराया जा सकता है, आज यदि आप बताएंगे तो मुझे लग रहा है कि कल आपका जो एग्जाम है उसके लिए अरेंजमेंट बुकिंग किया जा सकता है। अच्छा एक मिनट सर, मैं पूछना चाहूंगा, एग्जाम का कोई हाँ खास दिन होता है जो पहले से फिक्स होता है सर, कि नहीं 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 8 तारीख ऐसा को नहीं मतलब? है, आप DTC में, आप जैसे ही आपका तैयारी हो, आप यहाँ पे डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर है, अभी तक तो हाँ ऐसा नहीं हुआ है कि कोई खास दिन है। मुझे लगता है कि कल जाके शायद कल वहां पर एग्जाम किया जा सकता है। बाकी उनसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे हम, जाने के पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद मतलब जाकर हम एग्जाम देंगे। मेरा ये पूछना था, सैटरडे संडे को भी होता है या नहीं होता है? सैटरडे संडे को नहीं होता है, LIC का ऑफिस यदि संडे बंद है तो एग्जाम सेंटर भी बंद है, और सैटरडे को सैटरडे, यदि, सैटरडे को तो सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे LIC का ऑफिस बंद होता है ना, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया बात को, तो बस यदि, और कोई पूछना था हाँ तो यदि LIC इसीलिए। का तो ऑफिस बंद है तो बाकी सब चीजें भी बंद है, एग्जामिनेशन ठीक सेंटर भी है, बंद है। आपको मैं 4:30 बजे बता देता हूँ सर, कैसा बिल्कुल परफॉर्मेंस रहा, बिल्कुल क्या बिल्कुल, किया आप हमने, मुझे 5:30 बताइए। आवाज बिल्कुल आ रही बिल्कुल, है आप आज मुझे क्या फिर से बताते हैं? हाँ दो बताइए बताइए टेस्ट तो बताइए लेंगे लेंगे बताइए हम, बताइए, एक घंटा बढ़िया का बढ़िया होता है। बताइए, हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। रविराज जी नमस्कार, दुबे जी नमस्कार, बोलो। खुराना जी नमस्कार नमस्कार। जी, जी, क्या हाल है नमस्कार सर, आपके? नमस्कार, नमस्कार गाने सुने बढ़िया जी, सर, कैसे हाल चाल आपके? हाँ आ रही है आवाज, जी हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा, बोल बिल्कुल आ रही सकते है हो, आवाज। हाँ बेटा बिल्कुल आ रही है, आप मैं तो दादाजी को बोलूं। बोल सकते हो कि दादाजी आप बात कर सकते हैं, शुरुआत नमस्ते, बात की कर सकते हैं, उनकी आवाज आ रही है। नमस्कार, नमस्कार नमस्कार दुबे जी, क्या हाल है आपको? यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा। आवाज दुबे जी आपकी तबीयत ठीक है? नहीं दुबे जी आवाज यहाँ से तो हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है, दुबे जी आवाज हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक आ रही है। हरिराम जी नमस्कार, नरेंद्र पाल जी नमस्कार। जी बताइए हरिराम जी, क्या चल रहा है? जी दुबे बोल रहे हैं जी, आपको कहीं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे अरे लगता है सर शायद दुबे जी को आवाज नहीं आ रही है,
हरिराम जी आपका दफ्तर जाने का टाइम है, आप अपना दुकान पर जाने का बिल्कुल मुझे लगता है कि आप बस के अंदर हैं। हाँ जी हाँ हरिराम जी है, कैसे हाल चाल है हरिराम जी, क्या चल रहा है नया ताजा? बस ठीक है सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। और बाकी साथ भी कुछ बताना चाहेंगे नरेंद्र जी, आप कुछ बताना चाहेंगे क्या चल रहा है नया ताजा, या तो क्या कहते हैं पुराना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? रविराज किशोर जी क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या क्या ठीक हो रहा है, कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कौन कौन से कस्टमर दिक्कत कर रहे हैं, लोगों से मिलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम तो थोड़ा सा शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। एक तो सोमवार को ब्रांच नंबर 126 का स्थापना दिवस मना रहे हैं। स्थापना दिवस का मतलब इसी दिन जो ब्रांच नंबर 126 का शुरुआत हुआ था, तो 126 का स्थापना दिवस जो है वो सोमवार को मना रहे हैं। सोमवार को इसके लिए 1100 पॉलिसी का टारगेट रखा है, तो आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ ना कुछ इसके अंदर, आप भी कुछ ना कुछ इसके अंदर डिसीजन लें कि हाँ हमको क्या करना है, तो ऐसा कोई ना कोई डिसीजन आप जरूर ले लें। दिवस है सोमवार का, और उसके लिए आपको ट्रॉफी व्हाट्सएप पर भेजी थी, आपको आपने वो देखा कि नहीं देखा, या तो आपको ट्रॉफी मिला कि नहीं मिला। यदि आपने वो ट्रॉफी देखी है तो आप मेरे हाथ ला के बता सकते हैं कि हाँ आपने ट्रॉफी देखी है, जैसे फोटो के अंदर मैंने भेजा था आपको, या तो आपको पसंद आया, यदि आपको पसंद आया तो आप हाथ ला के बता सकते हैं कि हाँ आपको वो जो ट्रॉफी मैंने भेजा था आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सभी लोग हाथ मिला रहे हैं। नरेंद्र पाल जी नमस्कार, नरेंद्र जी नमस्कार। जो साथी नहीं बोल रहे हैं यदि वो अपना माइक बंद कर लेंगे तो उसका फायदा क्या रहेगा कि सभी को आवाज अच्छा आएगा, बढ़िया आएगा जी। तो और कोई साथी यदि कुछ बोलना चाहें तो कहें, अदरवाइज एक तो ये ट्रॉफी जो आई हुई है तकरीबन 1 फुट इसका हाइट है और बहुत ही शानदार ट्रॉफी है, अशोक स्तंभ वाली ट्रॉफी है। सारनाथ का जो स्तंभ होता है, या तो यदि आप कुतुब मीनार गए हैं तो कुतुब मीनार पर आपने वो स्तंभ देखा होगा, लोहे का जो खंभा बहुत लंबा सा देखा होगा। थाईलैंड के अंदर भी ये वाला जो अशोक स्तंभ है, थाईलैंड के अंदर भी ये वाला होता है, और बहुत ही शानदार ट्रॉफी है। आपके घर के अंदर जब ये ट्रॉफी रहेगी, या तो आपके अपने ट्रॉफी रहेगी, उसके अंदर कहीं भी ये लिख के नहीं लिया जाएगा कि ये 3 पॉलिसी पर मिली थी। लेकिन हाँ, बहुत ही शानदार ट्रॉफी है, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी है, घर में सभी लोगों को पसंद आएगी, सभी लोगों को बहुत ही शानदार लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप यदि ये वाला ट्रॉफी के लिए भी चुके हैं, और जो स्थापना दिवस के लिए आपके जो ब्रांच मैनेजर है उन्होंने ये बोला है कि भाई यदि जो लोगों का 6 पॉलिसी रहेगा, 6 पॉलिसी का मतलब है कि सोमवार के दिन मान लीजिए उनका 1100 पॉलिसी का ब्रांच का टारगेट है, तो यदि 6 पॉलिसी रहेगा तो 6 पॉलिसी के अंदर आपको जैसे वो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रशस्ति पत्र मिलता है, तो यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, तो पूरा रोल करके उसको देते हैं और उसमें रिबन वगैरह बांध के ऐसे करके बहुत शानदार तरीके से बढ़िया तरीके से देते हैं, तो इसी तरीके से आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा अति विशिष्ट अभिकर्ता के नाम से, ये विशिष्ट अभिकर्ता के नाम से स्पेशल प्रशस्ति पत्र, स्पेशल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, ये वाला सोमवार को आपको दिया जाएगा। और इसके लिए यदि यदि आप नहीं बोल रहे हैं तो माइक अपना बंद कर लें, कि उसका फायदा क्या होगा कि उससे क्या होगा आवाज ना सभी को बढ़िया तरीके से आएगा, आपको भी अच्छे से आएगा, बाकी सबको भी बढ़िया तरीके से आएगा। इसमें मुझे लगता है कि क्या होता है कि यदि हमारी तरफ से शो होता है तो स्क्रीन पे ना आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, अभी आवाज ठीक आएगी। मैंने क्या किया कि मैंने हरिराम जी की तरफ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी तो मैंने हरिराम जी को म्यूट कर दिया, तो अभी क्या है मतलब हरिराम जी कुछ बोल नहीं रहे थे लेकिन उनका सिर्फ वो 3-व्हीलर का आवाज आ रहा था, तो मैंने उनको म्यूट कर दिया है। तो अभी म्यूट करने से क्या हो रहा है कि जो बोल रहे हैं तो उनका आवाज आएगा, बाकी जो नहीं बोल रहे हैं उनका आवाज नहीं आएगा। सो दुबे जी आपका तबीयत ठीक है? ओके शायद मुझे लगता है दुबे जी आप अपना आवाज तेज करें, जो आपका फोन है वहां पे वॉल्यूम वाला बटन है, उस वॉल्यूम वाले बटन से आप अपना वॉल्यूम बढ़ाएं तो आपको आवाज बढ़िया आएगा, आवाज आपको ठीक आएगा। यदि आप अपना बटन वॉल्यूम वाला बढ़ाएंगे तो वहां से आपको आवाज ठीक आएगा। मेरे यहाँ पर आवाज बहुत ही शानदार आ रही है, बहुत ही बढ़िया आ रही है, और आप भी यदि अपना वॉल्यूम के बटन से अपनी आवाज बढ़ाएंगे तो आपको भी बढ़िया आएगी।
सो मैं ये कह रहा था कि प्रशक्ति पत्र आपको ये वाला मिलेगा सोमवार के दिन, यदि आप 6 पॉलिसी करेंगे 1100 पॉलिसी का टारगेट है। तो आप में से जैसे कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ एक लोगों का 3-3 पॉलिसी मेरे पास आ चुका है, आपके जो ब्रांच मैनेजर हैं उन्होंने ये बोला है कि भाई हम ऐसा करते हैं, हम जितने भी प्रपोजल हमारे पास आ रहे हैं तो उनको हम टाइप करके रख लेते हैं, और टाइप करके रेडी करके हम उनको अंडरराइट करके बिल्कुल पहले से तैयार करके रख लेते हैं। तो उसका फायदा क्या होगा कि टाइपिंग हो गया, अंडरराइटिंग हो गया, तो अभी सिर्फ नंबरिंग करने का काम रह गया। तो अभी आपके जो बीएम है उन्होंने क्या बोला है कि भाई आप ये मेरे पास छोड़ दो, मेरे पास छोड़ के हम इसको ऐसा करेंगे, शुक्रवार को जैसे दफ्तर से जाएंगे तो शुक्रवार को जितने भी प्रपोजल, अभी भी कुछ एक प्रपोजल हैं जो कि मेरे पास आए हुए हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई आप मेरे पास शुक्रवार को छोड़ जाओ, शुक्रवार को आप मेरे पास छोड़ जाओगे, शनिवार को भी हम दफ्तर खोलेंगे, वैसे तो पब्लिक के लिए छुट्टी है लेकिन ठीक है हम दफ्तर खोलेंगे, दफ्तर खोल के हम थोड़े बहुत अंडरराइटिंग या टाइपिंग का कोई भी काम है तो उसको कर लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का कोई भरोसा नहीं मंडे का कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, क्योंकि LIC के जो सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं, नए वाले कंप्यूटर, नए वाले सॉफ्टवेयर वगैरह, ये कई सारी चीजें लेकर आ रहे हैं, तो सर्वर अपग्रेड कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई मंडे को जैसे ही BOC कटेगी, भाई हमारे पास SBA पोर्टल के ऊपर या तो ब्रांच 126 के ढेर सारे अलग अलग काउंटर हैं, किसी भी काउंटर पर BOC कट गई तो वो BOC नंबर वगैरह वो लोग अपने आप लोकेट करके और उसका पॉलिसी नंबर लगा देंगे। तो आपको फायदा क्या होगा कि भाई ये तो आपका क्वालिफाई हो ही रहा है, ये जो ट्रॉफी है 3 पॉलिसी पर ट्रॉफी तो आपका क्वालिफाई हो ही रहा है, लेकिन 3 पॉलिसी पर ट्रॉफी क्वालिफाई होने के साथ साथ मंडे का जो स्थापना दिवस का जो 1100 पॉलिसी का टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, आप में से कोई भी साथी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? रविराज जी आप स्क्रीन पर आ रहे हैं बार बार, तो मुझे लगता है शायद आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो रविराज जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार रविराज जी। खंडव साहब बात समझ में नहीं आ रही है, वॉल्यूम का बटन थोड़ा सा तेज करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम का बटन थोड़ा सा आप तेज करेंगे आपको वॉल्यूम ज्यादा अच्छे तरीके से आएगी, आवाज आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आएगी, वॉल्यूम का बटन आपको थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, आपका जो फोन का जो वॉल्यूम का बटन है ना आप उसको थोड़ा सा तेज करें तो आवाज आपको बढ़िया तरीके से आएगी। आप ये जो कान में आपने लगा रखा है ना, ये कान में आप इसको हटा दीजिए, आपको आवाज बिल्कुल परफेक्ट आएगी। कई बार क्या होता है ये हैंड्स फ्री केबल यदि है और उसके बिना जब हम सुनते हैं तो आवाज बिल्कुल बढ़िया आती है। आप यदि ध्यान से देखेंगे मैंने भी हैंड्स फ्री केबल नहीं लगाया है, मैं भी बिना हैंड्स फ्री केबल के बात आपसे कर रहा हूँ। आप ये मुझे लगता है हैंड्स फ्री केबल के ये आपने कान में जो लगा रखा है हैंड्स फ्री केबल है या तो सुनने की मशीन है? बाबा क्या कर दुबे जी आपने जो कान में लगा रखा है ये सुनने की मशीन है या हैंड्स फ्री केबल है आपकी? तो मुझे लग रहा है कि हैंड्स फ्री केबल को यदि आप निकालेंगे तो शायद आपको आवाज बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ऐसा मुझे लगता है। बेटा जरा देखो बाबा का जरा ये बिना हैंड्स फ्री केबल के देखो, जरा ट्राई करके देखो, आपको आवाज बढ़िया आएगी। दुबे जी आपका पोता खड़ा है ना आपके बाजू में? नहीं खैर उम्मीद है कि दुबे जी का जो है आवाज वो ठीक ठाक कर पाएंगे। और कोई साथी कुछ बोलना चाहते हैं? नरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे या तो हरिराम जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओके आगे चलते हैं। हमारे पास हमारी टीम में कुछ एक साथियों ने वो वाला किताब लिया है गेट यस एवरी टाइम लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन, या तो आपने देखा है या तो आपने लिया है, तो इस वाली किताब का फायदा क्या है कि आपको बोलिए 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 तो आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं दुबे जी? आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं दुबे जी? मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप अपना हैंड्स फ्री केबल हटा देंगे तो बिना हैंड्स फ्री केबल के आपको आवाज बहुत ही शानदार आने वाली है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो गेट यस एवरी टाइम का जो पैकेट आपने लिया है, आप में से कुछ एक साथियों ने लिया है, जैसे दीपक सिन्हा जी हैं उन्होंने देखा है उसको, जैसे कि रविराज किशोर हैं वो मेरे से 1100 रुपए का परचेज करके लेकर गए थे, जैसे कि नरेंद्र पाल जी मेरे से 1100 रुपए का परचेज करके लेकर गए थे। हमारी टीम में टोटल 16 किताबें जो हैं लोगों ने परचेज करी हैं। मनीष कुमार जी ने 2 किताबें परचेज करी हैं, बाकी के 14 साथियों ने भी अलग अलग किताबें परचेज करी हैं। तो उसके द्वारा पॉलिसी बेचने में मदद मिल रही है। रविराज जी आपने उसके थ्रू पॉलिसी बेचा है, नरेंद्र पाल जी आपने उसके थ्रू पॉलिसी बेचा है, आपको उसके थ्रू क्या मदद मिली? वो जो पॉलिसी बेचने के पुराने तरीके बढ़िया थे या तो इस तरीके से जब आप पॉलिसी बेच रहे हैं तो आपको हेल्प मिल रही है,
दोनों में से कौन सा तरीका आपको बेटर लग रहा है? सर अभी पॉलिसी सर पहले तो नमस्कार गुड मॉर्निंग आपको गुड मॉर्निंग सर आवाज आ पा रही है? हेलो बताएं बताएं हाँ जी सर नमस्कार जी हाँ हाँ आप बताइए बताइए आपकी आवाज आ रही है नरेंद्र जी सर जो अपना आपकी कम आ रही है आवाज आपकी आ रही है लेकिन आपकी आवाज कम आ रही है आ रही है लेकिन कम आवाज आ रही है आपकी पता नहीं क्या बात है आवाज कम आ रही है आपकी हेलो जी हाँ हाँ बताइए नरेंद्र जी हाँ हाँ ठीक है अभी बढ़िया आवाज है बताइए बोलिए सर जो राजेश अवोड जी का जो सब लोगों दिया तो अभी इसे सर कोई पॉलिसी मैंने नहीं देखी है बट सर यही है कि सर 25 सर नहीं कहना ज्यादा सर अभी 25 नहीं कर पाए सकते मेरे को आपकी बात पूरी ओके आपको उस किताब के द्वारा पॉलिसी बेचने में प्रेजेंटेशन करने में कुछ मदद मिली या नहीं मिली या आप उसके द्वारा कुछ आसानी से पॉलिसी बता पाए कि नहीं बता पाए? सर मैं अभी नहीं बता पाया उसके बारे में आसानी से उसके द्वारा। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने अभी तक कितने लोगों को दिखाया वो जो बुक है वो जो किताब आप प्रेजेंटेशन का टूल आप लेकर गए थे वो जो औजार आप लेकर गए थे प्रेजेंटेशन करने का लोगों को इंश्योरेंस सेल करने के लिए तो उसके किताब के द्वारा आप कितने लोगों को इंश्योरेंस प्रेजेंट कर पाए कितने लोगों को किताब दिखाया आपने? ज्यादा लोगों को प्रेजेंट नहीं कर पाया सर 4-5 लोगों से वो बुक मैंने प्रेजेंट किया। ठीक है बढ़िया उन लोगों को बहुत बढ़िया 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 तो उन लोगों को जो किताब के थ्रू आपने प्रेजेंटेशन किया तो आपको पहले से ज्यादा अच्छा तरीका लगा या तो पुराना तरीका? सर गुड मॉर्निंग सर पहले से ज्यादा अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग रवि क्या हाल है आपके रवि? बस बढ़िया सर। ओके रवि आपके लिए गुड न्यूज है बाकी सभी के लिए गुड न्यूज है कि राजेश टैगोर जी जो फ्री सेशन ले रहे हैं 1 घंटे का फ्री सेशन है उनका 1 घंटा इंग्लिश रहेगा 1 घंटा हिंदी रहेगा। ये जो उनका 50 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है 50 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और साल भर चलेगा हर हफ्ते 1-1 घंटा का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा 1 घंटा हिंदी या तो फिर 1 घंटा इंग्लिश में ऐसा करके हिंदी या तो इंग्लिश का 1-1 घंटे का रोज रहेगा मतलब हर हफ्ते रहेगा एक दिन हर शुक्रवार को। तो इसका एक फ्री सेशन गेस्ट सेशन इंट्रोडक्शन सेशन ये वाला ये लेंगे कल सुबह 7 बजे से 8 बजे या तो फिर कल 8:30 बजे से 9:30 बजे तक का तो आपके लिए फ्री सेशन जूम पर अवेलेबल है। हाँ जी हिंदी वाला कितने बजे है सर? रवि मैंने आपको शेड्यूल उसका भेजा है एक 7 से 8 है एक 8 से 9 साढ़े 8 से 9:30 है। मेरे को देखना पड़ेगा एक बार कौन सा वाला हिंदी वाला कितने बजे है और इंग्लिश वाला कितने बजे है मुझे एक बार ही देखना पड़ेगा। मैं जरा व्हाट्सएप को ओपन करके देख लेता हूँ कि कौन कौन सा व्हाट्सएप मेरा अभी ओपन होने में टाइम लग रहा है मैं आपको देख के बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको ये भेजा हुआ है सारा का सारा सेशन लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ही खोल के देख के इसको दोबारा से बता देता हूँ। ये वाला सेशन है इसमें लिखा है अंग्रेजी में है 7:30 से 8:00 बजे और हिंदी में है 7:30 से 9:30 बजे का। तो आप 7 से 8 इंग्लिश वाला भी कर सकते हैं आप हिंदी वाला जो है 8:30 से 9:30 हिंदी वाला भी कर सकते हैं आप दोनों के दोनों सेशन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको राजेश टैगोर जी बताएंगे कि किस तरीके से आप ये जो 1 साल का प्रोग्राम होने वाला है जो कि हर हफ्ते जो ट्रेनिंग का सेशन रहेगा उसके अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। वैसे तो मैंने उसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको भेजा है 54 पेज का पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने आपको वैसे तो भेजा हुआ है कि भाई उसके अंदर क्या क्या रहेगा लेकिन फिर भी वहां पर वो राजेश जी आपको पर्सनली बताएंगे फेस टू फेस आपको पूरा का पूरा जूम पर बताएंगे कि उसके अंदर क्या क्या सिखाने वाले हैं। प्रोफेशनल सेलिंग स्किल सिखाने वाले हैं उसके अंदर आपको आपको सेल करने के अलग अलग तरीके सिखाने वाले हैं बड़ी बड़ी पॉलिसियां कैसे बेचें वो सिखाने वाले हैं आप कोल्ड कैनवासिंग आसानी से कैसे कर सकते हैं वो सिखाने वाले हैं अनजान आदमी को आसानी कैसे मिलेंगे अनजान आदमी को क्या क्या बात करेंगे वो सिखाने वाले हैं। देखिए वो जो किताब आपने लिया था वो जो क्या नाम है उस किताब का गेट यस एवरी टाइम वो जो किताब है वो जो पैकेट है उसका नाम था गेट यस एवरी टाइम वो राजेश टैगोर जी ने डिजाइन किया था। उसके अंदर जो किताब है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन जिसके द्वारा बहुत सारे एजेंट्स अलग अलग तरीके का बड़ा बड़ा पॉलिसी बेच पाए हैं लेकिन बड़े पॉलिसी के लिए बड़े कस्टमर को हमें अप्रोच भी तो करना पड़ेगा बड़े कस्टमर को मिलना भी तो पड़ेगा ना
बड़े कस्टमर को मिलना है, बड़े कस्टमर को अप्रोच करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा ना। और कुछ ना कुछ सीखने के लिए कैसे सीखेंगे हमें, जब तक हमारा नॉलेज नहीं बढ़ेगा तो हम बड़ा पॉलिसी कैसे बेच पाएंगे। आपकी ब्रांच में 12 एजेंट्स ने MDRT क्वालिफाई किया, पिछले साल 12 एजेंट ने MDRT क्वालिफाई किया। LIC ने अब तक का हिस्ट्री बनाया, 16,000 एजेंट्स ने MDRT इस साल क्वालिफाई किया है। इस साल का मतलब 2020 में, कैलेंडर ईयर 2020 में 31 दिसंबर 2020 तक 16,000 एजेंट्स ने इस बार MDRT क्वालिफाई किया। पिछले साल 10,000 ने क्वालिफाई किया था। 10,000 करके भी LIC दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी MDRT क्वालिफायर के अंदर। इस बार 16,000 एजेंट्स ने जो MDRT क्वालिफाई किया है, उसके बाद भी LIC दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है MDRT क्वालिफायर के अंदर। दुनिया की तकरीबन 500 कंपनियों में से LIC नंबर वन है MDRT क्वालिफायर की संख्या में। और MDRT क्वालिफाई करने का मतलब होता है 1,00,000 रुपए हर महीने का कमीशन। MDRT क्वालिफाई करने का मतलब होता है साल का 12,00,000 रुपए आपका पक्का मिलने वाला है, आपको गारंटेड मिलने वाला है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या आपको बढ़िया नहीं लगेगा कि आपका इतना इतना कमीशन आएगा, इतना इतना ग्रोथ होएगा, आपको LIC की तरफ से अमेरिका जाने का मौका मिलेगा, तो क्या आपको मजा नहीं आएगा? ओके, तो मुझे लगता है कि भाई म्यूट कर रखा होगा तो इस वजह से शायद आवाज नहीं आ रही है। आप शायद कुछ कहना चाहें। नरेंद्र जी, आपका बात बीच में रह गया था क्या? आप कुछ कहना चाह रहे थे, शायद आपका बात बीच में रह गया था, ऐसा कुछ था क्या? जी 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 जी, तो क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं नरेंद्र जी? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैं सर उसकी फिर सर प्रैक्टिस सर करूँगा, सर उसकी प्रैक्टिस करके ही अच्छा सब लगेगा, ताकि उसको प्रैक्टिस में होगी जो कि हम लोग रैंकिंग का प्रदर्शन करेंगे तो अच्छा लगेगा। बस आप प्रैक्टिस ही करना सर। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं? आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस के मामले में, लोगों के मामले में, दफ्तर के मामले में, सर्विसिंग के मामले में, सेलिंग के मामले में, प्रेजेंटेशन के मामले में, किस किस तरीके की आपके प्रॉब्लम आ रही हैं? आप कोई प्रॉब्लम वगैरह बताना चाहेंगे, कोई शेयर करना चाहेंगे? सर, जो ये राजेश टैगोर जी की बुक है सर, इसको ना मैंने पहले एक्चुअली इंग्लिश में रीड किया, इंग्लिश में तैयारी किया थी पहले, पहले तैयारी से। और जब मैंने देख लिया क्लाइंट को, मैं क्लाइंट को ना इंग्लिश में कुछ अच्छा नहीं लगा, मैंने यही तरह से 4-5 टाइम मैंने इंग्लिश की प्रेजेंटेशन देते हुए बात किया उनसे। हेलो, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ठीक है, बढ़िया। इस बुक का मतलब ये है कि भाई आप आसानी से बड़ी बड़ी पॉलिसियां बेच पाए, आप कस्टमर को आसानी से प्रेजेंटेशन कर पाए, आपको बीमा बेचने के ढेर सारे तरीके पता हैं, पहले से भी ढेर सारे तरीके पता हैं, लेकिन ये आपका इंश्योरेंस बेचने का एक और तरीका आपके पास अवेलेबल हो गया। इस तरीके से आप आसानी से कस्टमर को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कस्टमर को अट्रैक्टिव तरीके से पता लगता है कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और बड़ा पॉलिसी क्यों लेना चाहिए, ये कस्टमर को आसानी से समझ में आता है। लेकिन हाँ, आपको यदि लगता है कि हाँ इसकी बजाय और कोई बेटर तरीके से और कोई ज्यादा अच्छे तरीके से आप कस्टमर को बता सकते हैं, तो आप उस तरीके का इस्तेमाल करिए। ये बुक एक एक्स्ट्रा तरीका है। क्या होता है कि आप एक रिक्शे वाले को जाके गेट यस एवरी टाइम का किताब नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। आप एक सब्जी बेचने वाले को, वो जो रोड साइड सब्जी लगा के बैठा है, वो रेडी लगा के बैठा है, उसको जाके आप ये किताब नहीं दिखाएंगे कि भाई ये किताब देखो, देखो इसके अंदर बीमे के बारे में कितने अच्छे तरीके से बता रखा है। इसके लिए कम से कम उस आदमी के पास थोड़ा सा समय हो, इसी वजह से थोड़ा सा आप उसको प्रेजेंटेशन के लिए बात करें। सर नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र पाल है, मैं LIC की तरफ से आया हूँ, ये आपके लिए मैं लाइफस्टाइल का प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ, इसको दिखाने के अंदर 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो सर मैं आपको कल दिखाऊं या तो परसों दिखाऊं?
इसके लिए अपॉइंटमेंट लेके दिखाने से कस्टमर पहले से टाइम निकाल के रहता है, तो आसानी से वो देख पाता है, आसानी से वो समय निकाल पाता है। अदरवाइज क्या होता है कि हम डायरेक्टली किसी के पास गए, हम उसको बोले नहीं अभी के अभी दिखाना है, हो सकता है वो देख ले, लेकिन हो सकता है वो ना देखे। सो ऐसा हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो पक्का देख ही लेगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो नहीं देखेगा, लेकिन हाँ हो सकता है वो देखे, हो सकता है वो ना देखे। अब यदि वो देखा तो अब वो क्या होता है, कभी कभी ना लोगों का पेशेंस घट जाता है, या तो कभी कभी क्या होता है हम लोग स्लो तरीके से दिखाने लगते हैं ना, कभी कभी कस्टमर बीच में अटक जाता है कि यार इतना स्लोली स्लोली दिखा रहे हो, कहता नहीं नहीं जल्दी से बताओ जो बताना है, जल्दी से बताओ। तो जल्दी से बताने के चक्कर में ठीक है, हम ये वाला तरीके से होता है हमारा बहुत बढ़िया, ये भी एक तरीका है। इससे क्या होता है, बड़ा बड़ा पॉलिसी बेचने में मदद मिलता है। कल सुबह का 7 बजे से 8 बजे अंग्रेजी वाला सेशन है और 8:30 से 9:30 हिंदी वाला सेशन है। जूम का लिंक मैंने आपको पहले से भेज दिया है, इस वजह से कल सुबह वाला जो हमारा जो मीटिंग का जो है वो थोड़ा सा टाइम को आगे पीछे कर लेंगे हम लोग, अपना जो पर्सनल वाला है। आप ये राजेश टैगोर वाला जो है ये वाला आप जरूर अटेंड करें, आपको काफी सारी नई बातें यहाँ पर जानने को मिलेंगी। सो आज का प्रोग्राम कैसा रहा, आज आप यहाँ पर आए, आप सभी को कैसा लगा? बढ़िया लगा तो आप हाथ हिलाकर बता सकते हैं, या तो आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। और इसी के साथ हमारे जो 9:45 तक का हमारा मीटिंग का समय था, 9:46 हो चुके हैं, और आप यदि कुछ कहना चाहें तो आप जरूर बोलें, अदरवाइज हम आज का प्रोग्राम कंप्लीट करें। कल सुबह जो है राजेश टैगोर वाला जो फ्री सेशन है उसका जूम मीटिंग में आप जरूर ज्वाइन करें। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, क्वालिफाई करिए, तीन पॉलिसी पर जरूर आपका जो है 1100 पॉलिसी सोमवार का टारगेट है, उसको जरूर क्वालिफाई करिए। ऑल द बेस्ट, गुड डे, बाय बाय, गुड डे, बाय बाय, बाय बाय।